एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने करनाल में किसानों पर हुए लाठी चार्ज और एसडीएम आयुष सिन्हा के वायरल हुए वीडियो को कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी की हरियाणा इकाई के प्रदेश प्रवक्ता लवलीन टुटेजा ने मंगलवार को कहा कि करनाल में हुई घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बावजूद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एसडीएम का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप प्रवक्ता ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को भी सवालों के घेरे में खड़ा किया। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। शब्द थे, मैं पूछना चाहूंगा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से कि आप कह रहे हैं सख्ती तो करनी थी, आप सख्ती किस पे करना चाहते हो? जो इस देश की जीडीपी में जिसका सबसे बड़ा रोल है उस किसान के साथ, क्या इस आप सख्ती किसके साथ करना चाहते हो? जो इस देश के को अन्न उत्पादन करके देता है, क्या आप सख्ती किसके साथ करना चाहते हो? जो पूरे भारत देश की पहचान है किसान, आप उसके साथ सख्ती करना चाहते हो? और इंद्रोताई का वो बेटा जिसने हजारों प्रदेश के किसानों का विश्वास जीता और उनसे वोट भाजपा के खिलाफ वोट मांगे, आज वही कह रहा है कि किसानों ने कस्सी उठाई और पुलिस प्रशासन पर वार किया। आप ये देखिए दुष्यंत चौटाला महोदय कि आपने किस प्रकार किसानों का विश्वास जीतकर उनसे विश्वासघात किया है। आपने उन हजारों किसानों को लाठी डंडे मरवाए हैं जिन्होंने आपका आपको विश्वास देकर आपको मत देकर इस कुर्सी पर बिठाया है। आपको यह अधिकार किसने दिया कि जो किसान इस प्रदेश को अन्न पैदा करके देता है उसका लोकतांत्रिक अधिकार भी आप छीन लें, उसका संवैधानिक अधिकार भी आप छीन लें? मैं भाजपा जनता सरकार से कहना चाहूंगा कि आज आपने जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण किसानों को करनाल में पीटा है, जितने किसानों के सिर फोड़े हैं, उस खून के कतरे कतरे की बूंद बूंद का हिसाब आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतर के आपसे लेगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।